ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज डेडलॉक। डेडलॉक हम ये समझिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में ज़रूर आता है, इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कोई कंपटीशन अगर आप देते हैं तो उसमें भी डेडलॉक की से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ए नंबर ऑफ प्रोसेस कम्पीट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ ए रिसोर्सेज इज नॉट अवेलेबल एट दैट इंस्टेंस देन प्रोसेस एंटर्स इन टू वेटिंग स्टेट। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपको पहले से भी पता है कि एक प्रोसेस को कम्प्लीट होने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर रिसोर्सेज उसे एट दैट टाइम उसे अवेलेबल नहीं होते हैं तो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। इफ ए प्रोसेस अनेबल टू चेंज इट्स वेटिंग स्टेट बिकॉज द रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय इट आर होल्ड बाय अनदर वेटिंग प्रोसेस देन सिस्टम इज सेट टू बी इन डेडलॉक। मतलब अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं तो वो अपनी वेटिंग स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है और जब तक वो चेंज नहीं कर पाता है और चूंकि उसका जो प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए था वो रिसोर्स किसी और ने होल्ड कर रखा है तो उसे वो रिसोर्स मिलेगा नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन जो है आपकी क्या हो जाती है, डेडलॉक। देखिए, डेडलॉक के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी कंडीशन है क्योंकि ये क्वेश्चन इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। चार कंडीशन है इसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट। अब आप इन चारों कंडीशन को देख लीजिए, क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप इन द सिस्टम विच कैन बी यूज इन नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल इज प्रिंटर। अगर आपका जो रिसोर्स है कम से कम एक रिसोर्स जो कि नॉन शेयरेबल मोड में है, मतलब उसे शेयर नहीं किया जा सकता, तो आपकी जो कंडीशन आती है वो डेडलॉक की कंडीशन ऑकर हो सकती है। दूसरा है होल्ड एंड वेट। प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड रिक्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज विच आर बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और वो अदर रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा है और वो जो प्रोसेस है वो किसी और के पास होल्ड है। यहां से समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए किसी एक रिसोर्स, कम से कम एक रिसोर्स की जरूरत है और उसने कुछ रिसोर्सेस अपने पास होल्ड कर रखे हैं और जिस रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो दूसरे प्रोसेस के पास होल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस वेट कर रहा है अदर रिसोर्सेस की और वो पहले से ही कुछ रिसोर्सेस को होल्ड करे बैठा है। तो होल्ड एंड वेट, तो मतलब ना तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि उसे कुछ रिसोर्सेस की जरूरत है और ना ही वो अपने रिसोर्सेस फ्री कर रहा है जिससे कि कोई और रिसोर्सेस कंप्लीट, कोई और प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रिम्पशन। ए रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड फ्रॉम ए प्रोसेस बाय अनदर प्रोसेस। रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरिली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। अगर किसी प्रोसेस के कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस के पास है तो और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो ये नहीं है कि वो उसे फ्री कर दे, क्योंकि वो वेटिंग स्टेट में है तो वो रिसोर्सेज को फ्री कर दे कि कोई और प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होना चाहता है वो हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। नॉन प्रिम्पशन कंडीशन होती है तो इस वजह से डेडलॉक भी ऑकर हो जाता है। लास्ट है इसमें सर्कुलर वेट। ईच प्रोसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर ए रिसोर्स विच इज बींग हेल्ड बाई अनदर प्रोसेस विच इज टर्न इन वेटिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसेस टू रिलीज द रिसोर्स। सर्कुलर वेट को समझने के लिए आप इस डायग्राम को तरफ ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए आपका P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस को रिसोर्स R1 चाहिए, ये R1 रिसोर्स जो है होल्ड करे बैठा है P2 प्रोसेस, P2 प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए R2 रिसोर्स चाहिए और R2 रिसोर्स जो है होल्ड करे बैठा है P1 प्रोसेस। तो आप ये देखिए, P1 जो होल्ड करे बैठा है उस वजह से P2 कंप्लीट नहीं हो पा रहा और P2 ने R1 को होल्ड कर रखा है तो इस वजह से P1 नहीं हो पा रहा। तो एक तरीके से आप ये देखिए, यहाँ पे साइकिल जनरेट हो रही है, तो ये भी एक आपकी जो है नेसेसरी कंडीशन इसकी जनरेट हो जाती है डेडलॉक की, सर्कुलर वेट।
अब क्वेश्चन आता है सर कि आखिर अगर डेडलॉक होता है तो उसे हम कैसे हैंडल करें। डेडलॉक को हैंडल करने के लिए आपके चार मेथड हैं, यहां से देखिएगा, प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, डिटेक्शन एंड रिकवरी और इग्नोरेंस। प्रिवेंशन मींस डिजाइन सच ए सिस्टम विच वायलेट एटलीस्ट वन ऑफ फोर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। देखिए आपकी जो चार कंडीशन हमें नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक की पता चली हैं, अगर हम चारों कंडीशनों को सीरियसली लेके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिजाइन कर रहे हैं तभी इसको प्रिवेंशन लेके चलें कि हमारा डेडलॉक ऑफर ही ना हो, तो हम जो है वो कंडीशन क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। मतलब हम सावधानी करते लेते हुए डेडलॉक की कंडीशन ऑफर ही ना हो उसके लिए हम चारों जो नेसेसरी कंडीशन है उनकी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें। सेकेंड है आपका अवॉइडेंस। सिस्टम मेंटेन्स ए सेट ऑफ डाटा यूजिंग विच इट टेक्स ए डिसीजन वेदर टू एंटरटेन ए न्यू रिक्वेस्ट और नॉट टू बी इन सेफ स्टेट। बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम इस अवॉइडेंस मैटर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अवॉइडेंस ये कहते हैं कि हम अवॉइड करते हुए चलते हैं, अगर हम अवॉइड करते हुए चलते हैं और कोई कंडीशन लेकर चलते हैं कि अगर होगा तो हम उस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो बैंकर्स एल्गोरिथम आपकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर होगा, उसमें हम ये लेकर चलते हैं डेडलॉक नहीं होगा लेकिन अगर होगा तो इस कंडीशन से या इस तरह से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन हम बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं, हेयर वी वेट अंटिल डेडलॉक ऑकर्स एंड वंस वी डिटेक्टेड वी रिकवर फ्रॉम इट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सिस्टम किसी भी कंडीशन में डेडलॉक में नहीं आएगा और अगर आया तब कि हम तब देखेंगे उसका सॉल्यूशन, उसको रिकवर हम कैसे करेंगे वो चीज हम तब लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस वी इग्नोर द प्रॉब्लम एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सिस्टम किसी भी कंडीशन में डेडलॉक में नहीं आएगा। तो ये इसके चार मेथड हैं हैंडल करने के डेडलॉक के। बाकी चीज क्लियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।